जनमना मिले रे माया संगना चले तेरे संगना चले रे माया संगना चले तेरे तुझे दी है ना ये चदरिया उस परमात्मा ने इसलिए नहीं कि इसमें बिकार भर ले इसमें कूड़ा करकट भर ले नहीं 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 संत कबीर ने कहा है कि इस चदरिया को जैसा लेके आए वैसे ही लेके जाओ ये चदरिया गंदी नहीं है भगवान के गर्भ में जब बालक होता है ना तो गंदा होता है क्या जब जीव माँ के गर्भ में होता है उस समय उसके अंदर कोई विकार नहीं होता है बिल्कुल निर्मल होता है और जैसे ही संसार में आया जाने कितने उसके अंदर विकार भर जाते हैं तो ध्यान रखना हमें इसको निर्मल बनाना है मानव योनि को सार्थक करना है प्यारे दस छह सोले कहीं अकेले में पीस गई जे मद की जेल में दस छह सोले कहीं अकेले में पीस गई तेरे मद की जेल में दस छह सोले कहीं खेल में दस और छह कितनी सोलह दस छह सोलह गई खेल में और बीस गई जे मद की जेल में क्यों जन्म हुआ बालापन रहा माने दुग्ध पान कराया धीरे धीरे बड़े हुए माता सबको परिचित कराती है पिता है ये तेरे ताऊ है ये चाचा है ये फलाना है ये है वो है और बड़े हुए जवान हो गए अब तो काम क्रोध मोह लोभ इतने विकार उसको जकड़ लिए हैं प्यारे कहो तो सुंदर है तो अहंकार ही आ जाए बलवान है तो अहंकार आ जाए अब मद में जी रहे हैं दस सोले कहीं खेल में बीस गई जेल मत की जेल में चालीस तक त्रिया के मेल में हो चालीस तक त्रिया के मेल में पचपन आठ मले माया संग ना चले दस छह सोलह गई खेल में बीस गई जे मद की जेल में और चालीस तक त्रिया के मेल में ताकत रही तब तक स्त्री का साथ क्योंकि कहते हैं धनबल जोर बराबर मानो और नारी प्रेम तभी लो जानो यदि शरीर में बल है ताकत है सब तुम्हारे हैं जब तक कमाओगे सब तुम्हें अरे पिताजी ये खा लो पिताजी वो खा लो और रहे न काऊ काम के फ्री में न कोई ले और ऐसे बूढ़े बैल पोसो कौन बांध भूस कौन पूछता है फिर वही वाले पिताजी हैं जो 20,000 तनख्वाह दे रहे थे तो चार पाई पे चाय मिलती थी और आज पिताजी की वो दशा हो गई कोई पूछता ही नहीं है क्या चाहिए पिताजी को भोजन पिताजी का मन में बेटा बोले हाँ आज तो ऐसी बन मन हो रहो तो किन्ने खीर सी मिल जाती आज पूरी कचौड़ी पे मन तो लला तो ना बोल पे पर बहू अंदर से बोल जाएगी देखो बुड्ढा का दिमाग खराब है लली लला को तो दूध के दर्शन ना करो बुड्ढा खीर मांग रहो राम 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 है तो इसलिए प्यारे सज्जनों कहा है स्याही जाए सफेदी आवे तन की काल से गुड़ सब जावे स्याही जाए
करे थोड़ी सब जावे। परमात्मा ने सुंदर ये शरीर दिया है, ये सदा एक सा नहीं रहेगा, ये दुनिया परिवर्तनशील है। आज बचपन है, कल जवानी है, तो कल बुढ़ापा भी आएगा। तो इसलिए सत्य कौन है, अपरिवर्तनीय कौन है, वो केवल परमात्मा। उस परमात्मा का चिंतन करना है जो जो कभी नष्ट होने वाला नहीं है। प्यारे भगवत प्रेमियों, भगवान नर्मदेश्वर शिव शक्ति जिसने स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश को जन्म दिया, ध्यान रखना, जिसने जगत के कर्ता ब्रह्मा को जन्म, पालन करता विष्णु को जन्म, और जो संहार करने वाला है, ये तीन सुपर डुपर हीरो बनाए ब्रह्मा विष्णु महेश, ये अध्यात्म क्षेत्र के तीन हीरो हैं। उसके बाद जब द्वापर आया, त्रेता आया, फिर दो हीरो और बना के तैयार किए, राम और कृष्ण। एक तो छोटा सा एक भौतिकता का जीव जब फिल्म में काम करता है तो कहते हैं कितना सुपर डुपर, अरे वाह वाह क्या बढ़िया रोल करता है। अरे इनका रोल देखिए, मेरे राम जी का रोल देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम, एक लीला पुरुषोत्तम, ये ऐसे सुपर डुपर हीरो हुए हैं कि आज तक इनके ही पग पर हम सभी चलते आ रहे हैं। राम ने मर्यादा सिखाई है और कन्हैया ने भी मुझे जीना सिखाया है। ये हमारे पूर्वज हैं, इनसे मुझे शिक्षा लेनी है, ये हमारे भगवान हैं। तो इसलिए स्याही गाई सफेदी आवे, तनकी खाल से गुड़ सब जावे। स्याही गाई सफेदी आवे, तनकी खाल से गुड़ सब जावे। सफेदी आवे, बाल सफेद हो गए। अच्छा पहले तो इतने संस्कारित लोग होते थे, जैसे महाराज दशरथ जब शीशा में चेहरा अपना निहारा, कान के बाल सफेद देखे तो समझ गए कि अब हमें सन्यास ले लेना चाहिए, अब हमें घर का त्याग कर देना चाहिए, अब हमें भगवान का भजन करना चाहिए। और आजकल क्या ढीठ लोग हैं, जैसे हमारे बाबा देव कुछ बैठे, अरे दाढ़ी भूरी है तो का है, सब पूरे बाल सफेद हो जाए, 20 रुपया की पुड़िया ले आओ, ऐसे करिया करके देखो, कोई कहे बूढ़ो है, 50 साल को तो ही कम से कम। प्यारे सज्जन, पहली मौत की घंटी बजी, कान के बाल सफेद, अब भगवान के यहाँ से कॉल लेटर आ गया, बोले भैया, बोले हाँ, बोले ज्यादा दिन ना है बचे, अब खूब आनंद लियो संसार में, अब भगवान को भजन कर लो। बोले ना ना ना, अभी अभी कैसे, अभी तो, अरे 10 रुपए की पुड़िया में सब ठीक। अच्छा मौत की दूसरी घंटी बजी, 3200 दांत निकल के बाहर, बड़ा चोर चना चोर गरम खाया, पकौड़िया खाई, बढ़िया बढ़िया है जो मनाया, भैया अब तो दांत भी ना बचे, अब तो हरि को भजन कर ले, अब तो हलवा पी के भजन कर ले। बोले बिल्कुल नहीं, ऐसी बढ़िया 3200 चढ़वाएंगे जो पहले से भी ज्यादा, गन्ना चबाएंगे, चना चबाएंगे। तीसरी मौत की घंटी बजी, आंखों से दिखना कम, बोले बाहर दिखना बंद करो, बहुत देख लिया बाहर, सिनेमा देख लिया, पिक्चरें देख ली, बहुत देख लिया, अब अंदर देखना शुरू कर लो, अब संत बन जाओ, साधक बन जाओ। पर वो नहीं मानने वाले, बोले अभी ना ना ना, बढ़िया चश्मा बनवाएंगे तो यहां से सीधा मेन रोड को देखेंगे, हाँ छोरा पर नजर जाएगी सीधी। अरे भैया भजन, बोले अभी नहीं करना, अभी बहुत समय है, हाँ जब आएगा बुढ़ापा जब कर लेंगे भजन, अभी बुढ़ापा थोड़ेंगे, देखो मानने को तैयार नहीं।
उसके बाद में चौथी मौत की घंटी बजी, कमर टेढ़ी लठिया पकड़ के चलने लगे। अरे अब तो शरीर भी बेकार हो रहा है, अब तो कर लो भजन। बोले अभी अरे बढ़िया, चांदी भस्मी खाएंगे, स्वर्ण भस्मी खाएंगे, चवर प्रास, जाने कौन कौन से प्रास खाएंगे, जवान हो जाएंगे दोबारा से। पर अभी भजन बोले बिल्कुल नहीं। ओहो, और पांचवी तो महाराज फिर नीरज भैया घंटी थोड़े ही बजी, फिर तो घंटा बजो, सब बजते ही चलोगे। ले गए काल बली का लगा थपेड़ा, बोरी बिस्तरा पड़े रहे इसलिए प्यारे। ओ तू तो कहता मेरा मेरा ज्ञान जग में कोई है तेरा, तू तो कहता मेरा मेरा ज्ञान ही है जग में तेरा, और तू तो कहता मेरा मेरा ज्ञान जग में कोई है तेरा, तू तो कहता मेरा मेरा ज्ञान ही है जग में तेरा। अरे भजन करे तो सब सुख पावे, धन दौलत तेरे काम न आवे, भजन करे तो सब सुख आवे।